हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 11.3 के बारे में। और आज के इस कम्प्लीट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के अंदर आज हम क्यूबॉइड और क्यूब्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास ए और बी करके हमारे पास दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए हुए हैं। एक ए हमारा ये दिया हुआ है और बी हमारा ये दिया हुआ है। अब समझिए कि इन बॉक्सेस को बनाने में हमें कितना मटेरियल्स लगा हुआ है, ए में ज़्यादा लगा है या बी में ज़्यादा लगा है। तो सबसे पहले अगर हमें मटेरियल की कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि मटेरियल्स को बनाने में जो भी कॉस्ट लगता है उसमें हम टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो एक मेरे पास एक ये बॉक्स है जो कि क्यूबिडिकल बॉक्सेस आपको दिख रहा होगा, और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है ये देखिए, ये जो प्लास्टिक बॉक्स है, इस प्लास्टिक बॉक्स को मटेरियल को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। तो इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगर इस चीज को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा क्यूबिडिकल बॉक्स का। और टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबिडिकल बॉक्स का होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसका क्या फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रेकेट के अंदर एल बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस करते हैं बी इंटू एच यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस करते हैं हम हाइट इंटू लेंथ यानी कि 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिडिकल बॉक्सेस का फॉर्मूला है। और जो क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है कि यार L इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 60 और B इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 40 और H जो हाइट है वो दिया हुआ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अगर टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करें हम क्यूबिडिकल बॉक्सेस की, तो जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आने वाले हैं हमारे पास, बस इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होके निकलेगा वो आएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू हमें दी हुई है सेंटीमीटर में। यानी कि पहले वाला जो बॉक्स है उसका हमारे पास एरिया निकल के आया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी के अंदर हमें दिया हुआ क्यूबिडिकल बॉक्सेस, और ये जो क्यूबिडिकल बॉक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ हमारी 50 सेंटीमीटर, हाइट भी हमारी 50 सेंटीमीटर, और इसी फॉर्मूले के अंदर भी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ कि किसमें कम कॉस्ट लगी है, किसकी कम कॉस्ट आई है मटेरियल को यूज करने में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला ए वाला ऑप्शन है ये कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए वाला ऑप्शन है वो बी वाले से हमेशा क्या हुआ है, कम मटेरियल लगा है उसको बनाने में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यूबिडिकल बॉक्सेस ए रिक्वायर्स टू लेशर अमाउंट ऑफ मटेरियल्स टू मेक अ सीन सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉक्स बी, बी से हमेशा कम लगेगा उसमें, ये कम लगा है। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ एक सूटकेस है जो जिसको मेजर किया जा रहा है 80 सेंटीमीटर यानी कि उसकी लेंथ है, उसके बाद 24 सेंटीमीटर जो कि उसकी ब्रेथ है, और हाइट उसकी दिया हुआ है 48 दिया हुआ सॉरी, और जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ ब्रेथ और ये हाइट ये हमें दी हुई है। आगे जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक जो टर्पोलिन है, टर्पोलिन का मतलब होता है जो तारपीन जो होता है, जो प्लास्टिक का कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस क्लॉथ्स को हाउ मेनी मीटर्स तारपीन टेरोप्लिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर सच एज 100 सच सूटकेसेस। देखिए एक सूटकेस का हमें पूरा डायमेंशन दिया हुआ लेंथ ब्रेथ, ऐसे हमें 100 सूटकेस चाहिए। सूटकेस का जो साइज होता है वो करीब कुछ ऐसा होता है, क्यूबिडिकल बॉक्सेस जैसा ही होगा सूटकेस जो हमारा होगा। अब इस सूटकेस में ये एक सूटकेस हो गया, ऐसे हमें 100 सूटकेस को क्या करना है, कवर करना है, वो भी टर्पोलिन से जो कि प्लास्टिक का होने वाला है। और उस कितने मीटर हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, 96 मीटर सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेस। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सूटकेस का जो हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया है वो कितना है, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने हमें लगने वाले, जो टर्पोलिन जो क्लॉथ है वो कितना लगने वाला है हमें। तो यहाँ पे टर्पोलिन जो टेरोप्लिन क्लॉथ है वो प्लास्टिक का भी, प्लास्टिक जैसा भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लॉथ की बात की जा रही है, तो उसको कवर करने के लिए कितने टर्पोलिन क्लॉथ की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले इन सूटकेस का जो भी हमें दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के बेसिस पे हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और हाइट, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल सर्फेस एरिया सूटकेस का।
जब हम 2L plus B जो फॉर्मूला हमारा है 2LB, LB plus BH और plus HL, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के साथ ही हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये हमारा आ चुका है कंप्लीटली एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। अब चूंकि जो जो एरिया दिया हुआ है टेरपलिन का, टेरपलिन क्लॉथ्स का जो कपड़ा है वो एक सरफेस सूटकेस का हमें हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास जो एक सूटकेस का जो कंप्लीट एरिया निकल के आया टोटल सरफेस एरिया वो आया है 13,824। और क्वेश्चंस के अंदर हमें ब्रेथ इसकी दी हुई है कि 96 मीटर एक दिया हुआ है, तो उसकी लेंथ हमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 96 में हमने क्या किया, 96 को डिवाइड कर दिया तो 144 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ गई। जब 144 सेंटीमीटर लेंथ आएगी उस टर्पोलिन की, तो हमें करना क्या है, ऐसे ही हमें रिक्वायर्ड है 100 सूटकेसेस की। और यहाँ पे 144 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 144,000 सेंटीमीटर। अब इन सेंटीमीटर को, ये जो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 144 मीटर क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट होगी ऐसे कवर करने के लिए 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें 144 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, जो टर्पोलिन का कपड़ा है। इसी तरीके से बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। अब बहुत सिंपल होता है, ये 6L स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। 6L स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें साइड फाइंड आउट करना है। तो क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का ही 3D रूप होता है, ये स्क्वायर होता है, तो कुछ इस तरीके का हमारा क्यूब होगा, जिसका टोटल सर्फेस एरिया हमने 11.1 को डिस्कस करते टाइम ही सारे फॉर्मूले बता दिए थे। जो सर्फेस एरिया होगा वो 6L स्क्वायर होगा, 6L स्क्वायर इक्वल टू 600, तो L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 और L की वैल्यू आ जाएगी 10। और तो हम कह सकते हैं जो इसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर आने वाली है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक चीज दी जा रही है कि जो रुखसार है उसने पेंट किया आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ मेजर, इसके बारे में जो कैबिनेट दिया हुआ है उसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दी हुई है उस कैबिनेट के अंदर, जिसमें ये लेंथ उसकी 1 मीटर है, लेंथ उसकी 2 मीटर है, ब्रेथ उसकी 1 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। आप कुछ भी मान सकते हैं। हाउ मच सच सरफेस ऑफ डिट कवर टू पेंटेड एक्सपेक्टेड टू बॉटम ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट है उसका हमें जो बॉटम का एरिया है वो हमें उसको पेंटेड नहीं करना है, बाकी सारे जो उसके एरिया है सारे को कवर करना, चाहे आगे वाला पार्ट हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे दोनों तरफ साइडों का हो। यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी हुई है, वो दिया हुआ 2 मीटर, लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 मीटर, तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 मीटर, ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर और हाइट हमारे पास दी हुई है 1.5 मीटर। अब हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है उस कैबिनेट का, तो जो सरफेस एरिया है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है कैबिनेट का, चूंकि हमें एक साइड नहीं कवर करनी है, ऊपर की साइड कवर कर रहे हैं और एक साइड हम कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 2L भी रख रहे हैं केवल। अच्छा, ये क्या होता है, क्यों ऐसा हम रख रहे हैं, एल बी क्यों रख रहे हैं सरफेस एरिया में, तो आप समझ सकते हैं कि हमें ये कुछ इस तरीके का होता है हमारा जो कैबिनेट है। अब कैबिनेट में ऊपर की साइड तो हम कवर कर रहे हैं, ये भी कवर कर रहे हैं, सामने का भी कवर कर रहे हैं और ये साइड का भी कवर कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बच रहा है इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें हम केवल ऊपर की साइड का कर रहे हैं, बाकी हम इसमें भी दोनों तरफ का कर रहे हैं और आगे और फ्रंट में भी दोनों तरफ का कर रहे हैं। मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास बॉक्स और इस बॉक्स में क्या हो रहा है, नीचे का एरिया आप कवर नहीं करना चाह रहे, यानी कि ये जो साइड आप कवर करेंगे सेम उसी तरीके से आप इसके पीछे वाली साइड भी कवर करेंगे, और जब ये साइड कवर करेंगे तो ये भी, यानी कि आपके पास 2 लेंथ तो हो रही है और 2 ब्रेथ तो हो रही है, बट जो उसकी आपकी हाइट है वो केवल एक ही हो रही है। हाइट आपकी ये जो हाइट है ये भी हो रही है आपकी, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, बट इसका हाइट केवल एक ही हो रही है, एल इंटू बी हो रहा है इसका, और इसका एरिया एल इंटू बी, इसका एरिया एल इंटू बी, इसका एरिया एल इंटू बी, इसका एरिया एल इंटू बी और इसका एरिया एल इंटू बी, चारों तरफ से रेक्टेंगल ही है, तो जो नीचे की साइड है, नीचे का साइड हमारा कवर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हम एलबी का यूज करेंगे और बाकी जो हमारा फॉर्मूला है बी इंटू एच इस तरीके से करके वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 11 मीटर स्क्वायर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट का सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड है वो हमारी 11 मीटर स्क्वायर रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर में आएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि डेनियल इज अ पेंटिंग अ वॉल, वो वॉल को पेंट कर रहा है और एंड सीलिंग ऑफ क्यूबिडिकल हॉल, उसके पास हॉल है उसको भी पेंट कर रहा है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है 15 कैन और 7, और हमें बताना है कि ऐसे ही 100 ईच कैन पेंट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, और हर एक में उसे 100 पेंट लग रहे हैं, हर 100 मीटर स्क्वायर एरिया वो पेंटेड कर रहा है फ्रॉम ईच कैन। तो हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल बी सी नीडेड टू पेंटेड द रूम। अच्छा, एक कैन में जो एक कैन आ रही है उसकी, जो पेंट की जो कैन आ रही है उसमें वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कैन के थ्रू वो केवल 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर पा रहा है, तो उसको कितनी कैन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो कंप्लीट होल है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। जब हम कंप्लीट होल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम आसानी से हम बता सकते हैं कि कितने कैन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें क्लासरूम का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है कि क्लासरूम का टोटल सर्फेस एरिया क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही कंडीशन आने वाली है कि जो क्लासरूम पेंट होने वाला है तो एक साइड तो नहीं होने वाला, जो क्लासरूम होता है कुछ इस तरीके का होने वाला जिसमें कि अब ये नीचे साइड का तो पेंट होना नहीं है, ये होना है, ये होना है और ये होना है, बाकी चारों तरफ के होने वाले। अब जो टोटल सरफेस एरिया है क्लासरूम का वो कुछ इस फॉर्मूले से आएगा आंसर, जिसे पुट करेंगे इसका आएगा 500 मीटर स्क्वायर, और 500 मीटर स्क्वायर में जो एक कैन जो आ रही है रिक्वायरमेंट हो रही है जिसमें कि 100 मीटर कवर और 100 मीटर कवर हो रहा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 कैंस की रिक्वायरमेंट है जो उस रूम को पेंट करने के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसी तरीके से बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, डिस्क्राइब करना है दो फिगर्स को लाइक आर हु आर डिफरेंट, विच बॉक्स इज अ लार्जर लेटर सरफेस एरिया, किसका जो सरफेस एरिया वो बड़ा है। तो सबसे पहली चीज ये कि जो डायमीटर दिया हुआ 7 है, तो डायमीटर के बाद हम रेडियस ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि डी इक्वल टू होता है 2r, और रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डी अपॉन 2 और 7 अपॉन 2 इस तरीके से आ जाएगा। हाइट हमें ऑलरेडी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पिक्चर्स में भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर हमें हाइट दी हुई है जो कि सिलेंडर की हाइट है, और यहाँ पे इनकी साइड भी सिलेंडर जो क्यूबाइड है उसका भी साइड हमें दिया हुआ है। जब हमें सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है तो हम उसका कम्प्लीटली सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 2πrh होता है, 2πrh होता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 2 इसका फॉर्मूला होता है 2πrh, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पे हो जाता है 2, और r की वैल्यू जो दी हुई है वो 7/2, आपने देखा अभी देखा कि 7/2 कैसे आया, चूंकि उसका हमें हाइट दी हुई थी तो डायमीटर दिया हुआ था तो डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया और हाइट हमारे पास 7 दिया हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और इसी तरीके से जब हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे क्यूब का तो वो होता है 4L², और यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया 196 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया है वो बड़ा है और जो सिलेंडर का है वो छोटा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक क्लोज सिलेंडरल टैंक है और इस टैंक के अंदर रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर और इसका जो सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे मैं टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, सिलेंड्रिकल टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला ही होता है 2πr, और 2πr ये भी 2πr क्या होता है, वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, और इसमें हम कर देते हैं h प्लस r हाइट और रेडियस को प्लस करके मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर आएगा जो कि उस सीट की रिक्वायरमेंट है मेटल सीट की इसको बनाने के लिए। हाउ मेनी सीट मेटल्स आर इज रिक्वायर्ड, तो इतनी सीट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है हेलो सिलेंडर का जो दिया हुआ है हमारे पास 4224, और उसकी हाइट फॉर्म करी गई एक रेक्टेंगुलर सीट में, यानी कि हाइट दिया हुआ है उस सिलेंडर का 33 सेंटीमीटर,
और उसका कवर्ड सर्फेस एरिया जो दिया हुआ वो 2πr दिया हुआ है। अब हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है किसका, उस रेक्टेंगुलर शीट का। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा कवर्ड सर्फेस एरिया है हेलो सिलेंडर का जो 2πr होता है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है हमें वो 2πr के इक्वल में रख देंगे। 2πr में हमें r की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी वैल्यू पता है। वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। जैसे r की वैल्यू आएगी, हम 2πr में, 2πr में इसका लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला रख देंगे। 2πr ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो, उसमें 2πr के इक्वल में रख देंगे, क्योंकि चूंकि 2πr का मतलब क्या, उसका सरकमफ्रेंसेस है यानी कि पैरामीटर है, तो पैरामीटर इसी से बना होगा मिलके वो। और जो पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो 2l प्लस b, यहाँ पे केवल वैल्यू फुट करना है लेंथ और ब्रेथ की, यहाँ पे 322 रेक्टेंगुलर शीट का सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एक रोलर है जो कि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है एक मूव करने में। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर लेंथ। सबसे पहले डायमीटर हमें दिया हुआ है 84, रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42, चूंकि 84 में 2 का हमने डिवाइड कर दिया तो 42 आ गया। अब यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड आउट किया उस रोड रोलर का जिसमें हमें उसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर जब दिया होता है ना, डायमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, डायमीटर ये कंप्लीट होता है और ये हमें दिया हुआ है 84 और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब इसके हाफ ये हमारा रेडियस होता है, तो 84 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 उस रोलर का रेडियस। जब रेडियस फाइंड आउट हो जाता है तो हर एक चीज निकालनी हमारे लिए इजी बन जाती है। अगर इसके रेडियस अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो आसानी से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2πr जो कि कवर सरफेस एरिया होता है। जब 2πr उसका कवर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है और यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका कंप्लीट कवर सरफेस एरिया जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैसे ही वो तो एक रिवोल्यूशन का आया ये, ऐसे ही वो 750 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो 750 इंटू 26,400 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1,98,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब हम इसे चेंज करेंगे मीटर में तो 1,980 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि 1,980 मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक कंपनी पैकेज कर रही है मिल्क पाउडर एक सिलेंड्रिकल कंटेन के अंदर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि ये सिलेंड्रिकल आपके पास कंटेन है और इसमें मिल्क पाउडर आपको दिया जा रहा है इसमें पैक करके, और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर के बारे में आइडिया है, डायमीटर का मतलब होता है कंप्लीट, ये जो होता है कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका पूरा ये कंप्लीट डायमीटर होता है, और डायमीटर तो दिया हुआ है, उसकी हाइट भी दी हुई है हमारे पास, हाइट भी क्लियर है, हमने डायमीटर से उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया, उसका रेडियस 7 हो जाएगा। जब उसका रेडियस हमें पता हो चुका है और डायमीटर पता हो चुका है और हाइट भी पता है, चूंकि लेवल्स लग रहे हैं उसमें अप में भी और डाउन में भी, उसमें लेवल्स लग रहे हैं। लेवल्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर का एरिया वो लेवल में ही कवर करने में चला जा रहा है, ये लेवल में ही चला जा रहा है, या इसके बीच में एक लेवल लगा हुआ है कंपनी का, तो लेवल में ही जा रहा है उसका एरिया, तो वो तो हम काउंट करेंगे नहीं कि कितना लेवल का एरिया है, लेवल वाले एरिया को हम माइनस करना होगा। जिससे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में कि जो कलरफुल एरिया वो लेवल का एरिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेवल को माइनस कर दिया 2 और 2, तो उसकी हाइट 16 हो जाएगी। पहले उसकी हाइट कितनी थी, 20 थी, अब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर ऊपर भी, टॉप में भी है और बॉटम में भी, यानी कि जब आप किसी सिलेंडर के अंदर 2 मीटर टॉप में भी आप लेवल लगाते हो और 2 मीटर नीचे भी, तो एक्चुअल में होता क्या कि ये जो एरिया और ये दोनों को माइनस करना होता है 2 मीटर इसकी हाइट में से। अब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ना रह के यहाँ से यहाँ तक हो गई केवल, क्योंकि ऊपर भी लेवल लगे हुए हैं और यहाँ भी लेवल लगे हुए हैं। अब जब ये चीजें आ चुकी हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमें कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है 2πr, और 2πr में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, रेडियस हमारे पास 7 आया था सॉल्व करने के बाद, और जो हाइट है वो 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था माय डियर फ्रेंड्स, और ये
कंप्लीट एक्सरसाइज। उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स की लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।